आत्मा ने चुनना है कि अपनी भटकन करनी है या मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो मोक्ष मुक्ति अवश्य ही मिलती है। बस सवाल ये कि क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान को जीते जी याद रख रहे हैं या फिर इस उलझनों में, इस माया में भटक रहे हैं। ये जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना है, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य को यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसके लिए तो ये बताते हैं कि जो मनुष्य जन्म है वो 84 लाख योनियां जो होती हैं उसमें एक बार मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलता ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मानुभूति के सभी अधिकारी हैं। तो अधिकारी तो हैं, हक तो है हमारा, यानी कि हकदार हैं हम, तो ब्रह्म ज्ञान के हकदार हैं, और ब्रह्म ज्ञान के बाद मुक्ति है तो उसके भी हकदार हैं। लेकिन सिर्फ हक जताने से कुछ नहीं होगा कि हमने हक जता दिया कि हम इसके हकदार हैं। इसका हकदार तो तब बनेंगे जब सद्गुरु ने हम पर कृपा कर दी और हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसके अनुसार अगर हमने चलना शुरू कर दिया, और तभी हम मुक्ति के हकदार होते हैं। उदाहरण के रूप में इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने ट्रेन में टिकट ले ली, तो अब हम यात्रा करने के हकदार हो गए, वो ओके, और हमें सीट भी मिल गई, ये भी सही है। लेकिन सब होने के बाद अगर मैं अन्य यात्रियों के संग दुर्व्यवहार करूं या उनको परेशान करूं, तो मैं चाहे कितना भी यात्रा का अधिकारी सही, हकदार सही, उसके बावजूद भी मुझे वहाँ की जो रेलवे पुलिस है वो पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर दुर्व्यवहार किया या अन्य यात्रियों को परेशान किया, या यूँ कहिए कि रेल के जो कार्य होते हैं उसमें मैंने विघ्न पैदा किया। तो मैं हकदार होते हुए भी, टिकट यानी कि ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी, मेरे पास मुझे ट्रेन से उतार दिया जाएगा। इससे ये साबित होता है कि केवल हम हकदार नहीं, हकदार तब बनते हैं जब वो टिकट ले लिया यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी मैं यात्रा में सवार हूँ तो मैं अपनी सीट पे बड़े इत्मीनान से बैठूं और इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना, या और जो रेलवे के रूल्स हैं मैं उसको अपना रहा हूँ। ऐसी जो इस ब्रह्मज्ञान के रूल्स हैं कि मुझे सबसे प्यार से रहना है, अपना एक जीवन जो है विशालता वाला बनाना है, और सभी से प्रेम भाईचारे वाले जीवन को व्यतीत करना है, सेवा सुमरन सत्संग करना है, इस तरीके के जब हम उनसे जो आध्यात्म के रूल्स हैं जब वो अपना लेते हैं, तब वास्तव में सही मायनों में हम मुक्ति के हकदार होते हैं। हमारा जीवन मुक्ति का हकदार हो जाता है। हम सब पर सद्गुरु ने कृपा की है कि हमें ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, और इसी के साथ हमें अब चेतन भी हो जाना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया यानी टिकट तो मिल गई, लेकिन यात्रा के हकदार हम तब होंगे जब सद्गुरु के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते जाएंगे, तभी ये यात्रा सफल होगी। ये ब्रह्म ज्ञान जब हमें मिल जाता है वो इसलिए नहीं कि बस मिला और हम उसको भूल जाएं, इसकी समझ इसलिए हमें अपने अंदर ऐसे बसानी है इस तरह कि पल पल उसका उपयोग ही हो, वरना बिना उपयोग के तो ये किसी काम का हमारे नहीं रहेगा। ये कोई ऐसा खजाना नहीं कि कहीं एक बैंक लॉकर में लॉक कर दिया जाए और समय आने पर निकाला जाए, नहीं, ये तो हर दिन हर पल हर समय हम अगर इस अपने चेतनता की अवस्था में रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में रहेंगे, तो फिर पल पल इस निरंकार के एहसास में वो जब अपना जीवन चलते जाएंगे तो ही ये ब्रह्म ज्ञान सच में उपयोगी आता है। कि अगर हम ये ज्ञान लेकर भूल गए हैं कि क्या हमें क्या सिखाया है इसमें, क्या सोर्स के साथ जुड़ने की जो बात, तो अगर वही भूल गया है इंसान, तो फिर चाहे ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, जीवन में उस रास्ते चल नहीं पाते, तो दैट इज़ एज गुड एज नॉट अटेनिंग दिस ब्रह्म ज्ञान। तो सिर्फ एक बार ये ऐसे नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसको भूल गए, नहीं, हर सिचुएशन में ये काम आता है कि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम अपने क्या ह्यूमन वैल्यूज़ पे उतरते हुए उस इंसान के साथ एक पेश आ रहे हैं ठीक ढंग से, या फिर
क्या हम अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? क्या हम एक और माया में उलझते चले जा रहे हैं? तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान का असर हम पे नहीं हुआ, ये समझ हमें नहीं आई कि सिर्फ ज्ञान ले लिया पर कर्म में नहीं ढाला, ज्ञान कर्म विच ढल जाए ता जीवन दा श्रृंगार होवे, कि कैसे हमारे जीवन में ये बैलेंस्ड अप्रोच कि ज्ञान से हमारी एक चेतनता, एक सच्चाई हमारे सामने है, पर कर्मों में कैसे हम ज्ञान को ढालें? क्या हमारे एक उस तरह ज्ञान बस गया है हमारे अंदर कि पल पल हम इस निरंकार को चाहे सुमिरन रूप में याद कर रहे हैं? तो क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं? किस तरह क्या हम ज्ञान के बाद कर्म में सब बातें ढाल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर हम ज्ञान को वाकई ही अपने अंदर एक अब्सॉर्ब कर पाए हैं। वैसे तो निरंकार इतना विस्तार है, इसका ये बेअंत है, फिर भी एक अपनी एक ह्यूमन माइंड से जितना हम इसको समझ पा रहे हैं, तो उतना ही हम अगर अपने अंदर पल पल इसके एहसास में रह पाए, तो उसी के साथ ही जीवन में हमारे प्रोग्रेस करना है। हम एज अ पर्सन अपने आप को कह लें, हमारी सोल इवॉल्व होते हुए तो उसी पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे।